दोस्तों, यदि आप एक फोन पे यूजर है और आप अपने फोन पे के माध्यम से किसी को मनी ट्रांसफर या फिर कहीं पे बिल पेमेंट करते हैं और अभी आप अपने फोन पे के माध्यम से जब भी कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, मतलब अपने फोन पे के माध्यम से किसी को मनी ट्रांसफर या फिर बिल पेमेंट करने जाते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है कि ट्रांजैक्शन फेल। उसके बाद दो रीजन बताया जाता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर सिक्योरिटी रीजन योर बैंक फ्रीज योर अकाउंट फॉर 12 आवर्स आफ्टर योर फर्स्ट पेमेंट इस अप्रूवल। उसके बाद नीचे बताया गया है कि ड्यूरिंग दिस फ्रीज पीरियड ऑल पेमेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड बाय योर बैंक, ट्राई अगेन आफ्टर 12 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ योर फर्स्ट पेमेंट अप्रूवल। तो ये रीजन आपको कुछ बताया जाता है, इसका मतलब हुआ कि कुछ सिक्योरिटी रीजन के वजह से आपका बैंक फ्रीज हो रहा है जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है और आपको 12 घंटे के बाद ट्राई करने के लिए कह रहा है। तो यदि आपके फोन पे में कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है तो आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि यदि आपके फोन पे में कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो पर बने रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। यदि आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइंट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पे दबा लेना है ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना फोन पे ऐप को ओपन किया है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे टू कॉन्टे के ऊपर प्रेस कर दूंगा और किसी को मनी ट्रांसफर करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है, उसके बाद दोस्तों मनी ट्रांसफर करने के लिए मुझे यहाँ पे अपना फोन पे का यूपीआई पिन एंटर करना है। तो फोन पे का यूपीआई पिन मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर करता हूँ तो ऐसे पे दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल दिखाया जा रहा है और नीचे दो रीज़न दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको भी कुछ इस टाइप से दिखाया गया होगा और आपको भी कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम आ गया होगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में अपना फोन पे ऐप को ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है कि नीचे जो माय मनी का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली से इसके ऊपर प्रेस करना है। तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपके फोन पे में जितना भी बैंक अकाउंट ऐड है वो आपके सामने दिखाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरे फोन पे में दो बैंक अकाउंट ऐड है वो यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके फोन पे के अंदर जो आपका बैंक अकाउंट ऐड है और जिस बैंक में ये प्रॉब्लम हो रहा है उस बैंक को रिमूव करना है। तो किसी भी बैंक को अपने फोन पे से रिमूव करने के लिए क्या करना होता है वो आप देख लीजिए। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो बैंक अकाउंट के साइड में जो तीर का निशान दिया गया है इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि अनलिंक बैंक अकाउंट, तो इसके ऊपर प्रेस करके आप जैसे ही अनलिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऐसे में दोस्तों आपके फोन पे से आपका बैंक अकाउंट अनलिंक हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे दूसरा बैंक अकाउंट को भी रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप सा दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि फिर से अपना वही बैंक अकाउंट को ऐड करना है जिस बैंक अकाउंट को आपने अभी अभी रिमूव किया है। तो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए क्या करना होता है तो आप जानते ही होंगे। तो इसके लिए नीचे जो ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारे बैंक दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पे आपका बैंक को ढूंढ लेना है जिस बैंक में आपका अकाउंट खोला हुआ है। तो मेरा इलाहाबाद बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे इलाहाबाद बैंक के ऊपर प्रेस कर दूंगा। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा अकाउंट यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप जैसे ही आपके बैंक अकाउंट के ऊपर प्रेस कर देंगे तो ऐसे में दोस्तों आपका जो अकाउंट होगा वो आपके सामने दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे नीचे जो डन का ऑप्शन दिया गया है तब को बस सिंपली से डन करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन रीसेट करना है। तो यूपीआई पिन रीसेट करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि रीसेट यूपीआई पिन का एक ऑप्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली से रीसेट यूपीआई पिन का जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके सामने डेबिट कार्ड डिटेल्स डालने के लिए कहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एटीएम डेबिट कार्ड नंबर लास्ट 6 डिजिट्स,
इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो आपका एटीएम डेबिट कार्ड है उस कार्ड में जो 16 डिजिट नंबर है उसमें से लास्ट में 6 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आपको अपना एटीएम डेबिट कार्ड का वैलिड डेट डालना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड का लास्ट में 6 डिजिट नंबर डाल दिया है और वैलिड डेट भी डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं जैसे यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करता हूँ तो ऐसे में दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी दिया जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी दिया जाएगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में ऐड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है तो आप भी यहाँ पे अपना ओटीपी सही से दे दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि नीचे आपको अपना एटीएम पिन इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इंटर एटीएम पिन, तो मैं यहाँ पे अपना एटीएम का पिन इंटर कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको नीचे जो राइट का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का एक ऑप्शन दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे अपना यूपीआई पिन सेट करना है जो भी आप यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं। उसके बाद सेम टू सेम यूपीआई पिन डाल के आपको कंफर्म करना है। दोस्तों ये जो यूपीआई पिन है ये पिन आपको तब डालना होगा जब आप अपने फोन पे के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही डन कर देंगे तो ऐसे में दोस्तों आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभी आप देख लीजिए कि क्या होता है, क्या मेरा फोन पे से मनी ट्रांजैक्शन होता है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे टू कॉन्टेक्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर प्रेस कर लूंगा। प्रेस करने के बाद दोस्तों अभी आप यहां पे देख लीजिए कि क्या होता है, क्या मनी ट्रांसफर होता है या नहीं। तो मैं यहां पे अमाउंट डाल लूंगा। तो अमाउंट डालने के बाद दोस्तों मैं यहां पे सेंड के ऊपर प्रेस कर दूंगा। तो अभी मुझे यहां पे अपना यूपीआई पिन इंटर करना है ट्रांसफर करने के लिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल के यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस करता हूँ तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल दिखाया गया था, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके फोन पे में कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे ही आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। उसके बाद दोस्तों किसी को भी मनी ट्रांसफर या फिर कहीं पे भी बिल पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और के मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पे दबा लीजिए ताकि अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।